वेलकम टू माई चैनल पकवान विद ज़ायका। आज मैं आपके साथ आलू की कतली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये झटपट से बनने वाली और कम मसालों के साथ बनने वाली बहुत मज़ेदार आलू की सब्ज़ी है ये। इसको आप ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले ली 1/2 kg आलू। इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर ली और इसकी थिकनेस मीडियम रखना है, ना एकदम पतले ना एकदम मोटे। इसको अच्छी तरह से वॉश करके नमक के पानी में मैं ऐड करके रख दी। और यहाँ पर मैं ले ली 1/4 cup कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करी 1 teaspoon ज़ीरा, साबित ज़ीरा और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। इन सबको मैं हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी स्लाइस किए हुए पोटैटोज़। आलू ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लूँगी। आलू के स्लाइसेस को मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये स्पाइसेस, 1.5 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon आमचूर पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर, 1 teaspoon नमक और 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर। इन सबको ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आलू को मैं कुक करूँगी। आमचूर पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके प्लेस में आप 1/2 lemon juice भी ऐड कर सकते हैं। इसको स्लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए आलू के स्लाइसेस को कुक करना है, वरना मसाले जल जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% आलू डन है। उसे 3 tablespoon के उतना ही पानी इसमें स्प्रिंकल करूँगी। इसमें पानी ऐड नहीं करना ज़्यादा, बस हल्का सा मैं पानी स्प्रिंकल करके इसको मिक्स कर लूँगी और इसको कवर करके 10 मिनट तक इसको मैं स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी। आलू अच्छी तरह से गल गए तक 10 मिनट्स के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर इसको मैं 1 से 2 मिनट कुक कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। बस इस तरह से आपको इतने ही कुक करना है, आलू को मैश होने नहीं देना है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँ थोड़ी सी चॉप कोतमीर। इसको मैं मिक्स कर लूँगी हल्का सा। अब आप देख सकते हैं ये मज़ेदार बहुत चटपटे आलू बन के रेडी हो गए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। आज मैं आपके साथ झटपट से बनने वाली मज़ेदार चटपटे आलू की रेसिपी शेयर करी। ये बहुत मज़ेदार आलू की सब्ज़ी बनती, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। इसको आप ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ सर्व करिए और ये बहुत कम टाइम में बनने वाली सब्ज़ी है। तो आप इस सब्ज़ी को ट्राई करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप मेरे आने वाले इस तरह के हर न्यू रेसिपीज़ को वॉच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे इस चैनल को फॉलो करिए। अल्लाह हाफिज़।